पूजे चलो राहुल আসানসোলের কেন্দ্রে প্রার্থী ঘিরে টাল বাহানার মধ্যে রয়েছে বিজেপি শিবির। আর এই কেন্দ্রে ভূমিপুত্র এবং প্রবীণ বিজেপি কর্মীদের কাউকে প্রার্থী করা হোক, তাতেই দল ভালো ফল করবে, এটাই চাইছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ। কয়েকদিন আগে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করতে চেয়েছিল বিহারের গায়ক পবন সিং, তবে তিনি দাঁড়াবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। এরপরেই চিন্তায় পড়ে বিজেপি। তারই মধ্যে এবার একটি নাম উঠে আসছে, যদিও তার নাম এখনো পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি, তবে তার আগেই তাকে নিয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। আসানসোলে এসেই প্রাচীন ঘাগরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন আজমগড়ের সাংসদ তথা ভোজপুরি সুপারস্টার তথা গায়ক দিনেশলাল যাদব ওরফে নিরহুয়া। শুক্রবার আসানসোল স্টেশনে সকালে নামেন দিনেশলাল যাদব। এরপর আসানসোলের একটি হোটেলে বেশ কিছুক্ষণ তিনি বিশ্রাম নেন, তারপর চলে যান তিনি আসানসোলের ঘাগরবুড়ি মন্দিরে। সেখানে পুজো সেরে আসানসোলের সুকান্ত ময়দান থেকে বিজেপির হয়ে প্রচার শুরু করেন এদিন দিনেশলাল যাদব। তাঁকে পবন সিংয়ের নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি জানান প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত নিজস্ব, তবে বিজেপির প্রার্থী যেই হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে উন্নয়ন করেছেন গোটা দেশে, সেই উন্নয়নের নিরিখেই 400 আসনের বেশি আসন নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার। বিজেপি নেতা তিনি কি বলছেন শোনাব আপনাদের। है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों में काम किया है, उस काम को देखते हुए पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता ने तय कर लिया है, तो जिस सीट पे भी जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा, उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। और अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार आ रही है, तो आज हम लोग भी शक्ति पीठ पे माँ का आशीर्वाद लेकर के और इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे पूरा देश लगातार तेजी से विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा आसनसोल भी आगे बढ़े, विकास करे। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार ने, हमारे रेल मंत्रालय ने आसनसोल के लिए रेलवे की ज़मीन दे करके और 4 लेन बनाने का काम शुरू किया है। उसका बजट जो है वो रेल मंत्रालय से पास हो गया है और ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे आसनसोल को दी जा रही है। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को अपना खुद का डिसीजन लेने का अधिकार होता है, उनके अपने कुछ पर्सनल रीजन होंगे, अब वो उसके बारे में बता सकते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें जो आदेश मिलता है उसको हम लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तत्पर रहते हैं। और आज भी हम लोग बंगाल में आए हैं, आसनसोल में आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है, जो अब की बार 400 पार और एक बार फिर से मोदी सरकार, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। देखिए, कोई भी प्रत्याशी होगा और जीत हार लड़ाई ये सब एक तरफ होती है, राजनीति एक तरफ होती है, विकास एक तरफ होता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।